वेलकम टू सोशल नेटवर्क। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम उन 10 ड्रामा सीरियल के बारे में बात करेंगे जो कि अभी रिसेंटली क्लोज हुए हैं। दोस्तों नंबर 10 पर है ड्रामा सीरियल अदावत, जो कि ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल था और ये ड्रामा सीरियल आप लोगों को हर रोज़ाना 7 PM के स्लॉट पर ARY डिजिटल पर देखने को मिलता था। ड्रामा सीरियल के टोटल 63 एपिसोड थी और ये ड्रामा सीरियल पाकिस्तान के अलावा काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा वायरल गया था। काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये ड्रामा सीरियल बहुत पसंद आया था। फातिमा फंदी, शजीला शोक, सैयद जिब्रान और साद कुरैशी आप लोगों को इस ड्रामा सीरियल में मैन करदार निभाते हुए नजर आए थे और इन लोगों की एक्टिंग लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट किया था सैयद जारी ने, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। ड्रामा सीरियल की टोटल 63 एपिसोड थी और ये एक बेहतरीन ड्रामा सीरियल है। अगर आप लोगों ने ये ड्रामा सीरियल नहीं देखा तो ये ड्रामा सीरियल आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल था। इसके बाद 9वें नंबर पर ड्रामा सीरियल है जिसका नाम है मन्नत मुराद, जो कि जियो एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल था जिसकी टोटल 33 एपिसोड थी। ये ड्रामा सीरियल भी काफ़ी ज़्यादा वायरल गया था। काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में इस ड्रामा सीरियल को पसंद किया गया था। ड्रामा सीरियल की हर एक एपिसोड में 10 मिलियन 9 मिलियन व्यूज़ आते थे। ड्रामा सीरियल एक बहुत ही बेहतरीन ड्रामा सीरियल था जिसमें आप लोगों को देखने को मिले थे पाकिस्तान के मल्टी टैलेंटेड अदाकार तलत जौहर और इकरा अजीज़ का नाम था मन्नत और तला का नाम था मुराद, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इन दोनों की। और ये ड्रामा सीरियल भी काफ़ी बेहतरीन ड्रामा सीरियल है जिसे नादिया अख्तर ने लिखा था और सैयद वजाहत हुसैन ने इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट किया था। 8वें नंबर पर है ड्रामा सीरियल जिसका नाम है फेरी ट्वेल सीज़न 2। ये दोनों सीज़न, इसका सीज़न 1 और सीज़न 2, ये दोनों सीज़न काफ़ी ज़्यादा वायरल गए थे। सीज़न 2 एक शॉर्ट सीरियल था जिसकी टोटल 15 इंक एपिसोड थी और इस ड्रामा सीरियल में आप लोगों को हमजा सवेल, सहर खान, अना खान और इसके अलावा अदनान रजा मीर की केमिस्ट्री दिखाई गई थी। ये एक रोमांटिक और फ़नी ड्रामा सीरियल था जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और इस ड्रामा सीरियल में भी 15 मिलियन 10 मिलियन और 12 मिलियन इस तरह हर एपिसोड में इसके व्यूज़ आते थे। और ये भी काफ़ी बेहतरीन ड्रामा सीरियल है जिसे सारा मजीद ने लिखा था और अली हसन ने डायरेक्ट किया था। और ये ड्रामा सीरियल भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ये भी काफ़ी अच्छा ड्रामा सीरियल है जो कि आप लोग हम TV पर जाकर देख सकते हैं। 7वें नंबर पर है ड्रामा सीरियल जिसका नाम है मैं, जो कि ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल था। ये भी काफ़ी ज़्यादा वायरल ड्रामा सीरियल था जिसे काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में पसंद किया गया था। ड्रामा सीरियल में वहाज अली और आयजा खान आप लोगों को देखने को मिले थे। ड्रामा सीरियल ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल था जिसे बिग बैन एंटरटेनमेंट वालों ने प्रजेंट किया था। जंजीबल आसम शाह ने इस ड्रामा सीरियल को लिखा था और बदर महमूद ने डायरेक्ट किया था। ड्रामा सीरियल काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल था और इस ड्रामा सीरियल की भी टोटल 25 एपिसोड थी और ये भी काफ़ी बेहतरीन ड्रामा सीरियल था। अगर आप लोगों ने ये ड्रामा सीरियल नहीं देखा तो ARY डिजिटल पर जाकर ये ड्रामा सीरियल आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ड्रामा सीरियल है। 6ठे नंबर पर है ड्रामा सीरियल जिसका नाम है जैसे आपकी मर्ज़ी, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा सीरियल था जो कि ARY डिजिटल की तरफ से आप लोगों को देखने को मिला था। ड्रामा सीरियल की टोटल 33 एपिसोड थी। ड्रामा सीरियल में दूरा फिशा सलीम और मिकाइल जुल्फ़िकार की केमिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिली थी। ड्रामा सीरियल को नायला अब्बासी ने लिखा था और सबा हमीद ने इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट किया था और ये भी काफ़ी बेहतरीन ड्रामा सीरियल था जो कि आप लोग ARY डिजिटल पर जाकर देख सकते हैं। 5वें नंबर पर काफ़ी बेहतरीन सोप सीरियल है जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल गया था और इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लोगों को बहुत पसंद आई थी। ड्रामा सीरियल का नाम था बेलगाम, जो कि एक सोप सीरियल था और ये एक बेहतरीन ड्रामा सीरियल था जिसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा वायरल गया था। ड्रामा सीरियल में लाइबा खान, अली बास और हारून शाहिद और तूबा अली की आप लोगों को केमिस्ट्री देखने को मिली थी और ये ड्रामा सीरियल काफ़ी बेहतरीन ड्रामा सीरियल था। हिना हुमा हफीज़ ने इस ड्रामा सीरियल को लिखा था और जहद महमूद ने ड्रामे को डायरेक्ट किया था और ये JioTV के जितने भी सोप सीरियल आए थे उनमें ये सोप सीरियल काफ़ी ज़्यादा जो है वो हिट सोप सीरियल था। तो दोस्तों 4ठे नंबर पर है ड्रामा सीरियल जिसका नाम है दिल ही तो है। ये भी काफ़ी एक बेहतरीन ड्रामा सीरियल था जो कि ARY डिजिटल की तरफ से आप लोगों को देखने को मिला था। ड्रामा सीरियल को नादिया अहमद ने लिखा था, काशिफ अहमद भट और मोहम्मद दानिश बेलाम ने इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट किया था। ड्रामा सीरियल में आप लोगों को अली अंसारी, जोया नासिर और मारिया मलिक देखने को मिले थे और ये भी काफ़ी बेहतरीन ड्रामा सीरियल था जो कि ARY डिजिटल की तरफ से नशर किया गया था। 3रे नंबर पर है दोस्तों ड्रामा सीरियल जिसका नाम है 22 कदम, जो कि ग्रीन इंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल था जिसमें वहाज अली और इनके साथ हरीम फारूकी और किंजा रजाक आप लोगों को देखने को मिले थे, जो कि एक स्पोर्ट्स से रिलेटिव ये ड्रामा सीरियल था जिसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। ड्रामा सीरियल को लिखा था जिशान इलियास ने, अंजुम शाहिद ने इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट किया था। IRK फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले इस ड्रामा सीरियल को बनाया गया था। ड्रामा सीरियल को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने
जो है इस ड्रामा सीरियल की प्रमोशन की थी, जैसे कि शुएब अख्तर हो गया, सानिया मिर्ज़ा और काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी जो स्टार हैं उन्होंने इस ड्रामा सीरियल को काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन की थी, काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट किया था, क्योंकि उन लोगों को भी ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उन्होंने अपने इंस्टा पर स्टोरीज़ भी लगाई थी इस ड्रामा सीरियल की। ड्रामा सीरियल की टोटल 25 एपिसोड थी और ये ड्रामा सीरियल एक स्पोर्ट्स से रिलेटिव था, जिसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और ये ड्रामा सीरियल ग्रीन एंटरटेनमेंट की तरफ से आप लोगों को देखने को मिला था। अगर आप लोगों ने ये ड्रामा सीरियल नहीं देखा तो ये एक बेहतरीन ड्रामा सीरियल है, आप लोग ग्रीन एंटरटेनमेंट पर जाकर ये ड्रामा सीरियल देख सकते हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर है ड्रामा सीरियल जिसका नाम है ग्रे, जो कि ग्रीन एंटरटेनमेंट पर रिलीज़ किया गया था, जो कि अभी रिसेंटली एक माह पहले ही क्लोज़ किया गया है। ड्रामा सीरियल में आप लोगों को समी खान और सबीना फारूक की केमिस्ट्री दिखाई गई थी और ये एक कंप्लीट ड्रामा सीरियल था जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल गया था और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आप लोग ग्रीन एंटरटेनमेंट पर जाकर देख सकते हैं कि अगर आप लोगों ने ये ड्रामा सीरियल नहीं देखा। पहले नंबर पर है ड्रामा सीरियल जिसका नाम है मुझे कबूल नहीं, जो कि जियो एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल था, जिसमें आप लोगों को एहसन खान, समी खान और इनके साथ आप लोगों को मदिया इमाम देखने को मिली थी। ड्रामा सीरियल एक बेहतरीन ड्रामा सीरियल था जिसे काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। ये एक कम्प्लीट ड्रामा सीरियल था जिसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। अदील रज़ाक ने इस ड्रामा सीरियल को लिखा था, अब्बास रज़ा ने इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट किया था। ड्रामा सीरियल में समी खान समी खान की, एहसन खान की और मदिया इमाम की केमिस्ट्री लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और ये एक बेहतरीन ड्रामा सीरियल था। अगर आप लोगों ने ये ड्रामा सीरियल नहीं देखा तो जियो एंटरटेनमेंट पर जाकर आप लोग ये ड्रामा सीरियल अभी भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल था। तो दोस्तों ये थे वो 10 ड्रामा जो कि अभी रिसेंटली क्लोज़ हुए हैं और ये बेहतरीन ड्रामा सीरियल हैं। अगर इनमें से कोई भी ड्रामा सीरियल अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लाजमी इस एक दफ़ा चेकआउट कर लें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें।